गुरुग्राम के बादशाहपुर में अज्ञात हमलावर ने एक दंपत्ति पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने 42 साल के आनंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी करिश्मा का इलाज चल रहा है। सरेआम हुई इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रैफिक जाम कर दिया, जिसमें कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं परिजनों के मुताबिक तकरीबन 1.5 महीने पहले मृतक आनंद ने इसी इलाके के रहने वाले एक शख्स की जान बचाई थी। इस मामले में आनंद ही चश्मदीद गवाह भी थे। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।